अरे वैसे तो हमसे सब डरता है, पर ये बात अम्मा को कौन समझावे? इसलिए हम सोचा हूँ क्या हम डॉक्टरनी से खुद ही बात करेंगा। अरे दादा, वो डॉक्टर ने क्या भाई से यारी दोस्ती बढ़ाओ, आना जाना आसान हो जाएगा अपना। ठीक बोलता है तू। अरे छोटा छोटा कामयाबी इंसान को बड़ा कामयाबी देता है, समझा है? ये तो है दादा। तो उसको बोल कि तू लड़ेगा। हाँ अरे हम बोल दिया हूँ, हम पहले ही बोल दिया हूँ कि हम लड़ूंगा। अरे हम तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? अरे तुमको अभी तक समझ में नहीं आया? अरे हम तुमसे प्यार करता हूँ। देखो नादिर भाई, हम तुम्हारा बहुत इज्जत और एहतराम करता है, हम तुम्हें समझा रहे हैं आज के बाद हमसे इस तरह की कोई बात नहीं करना। आप ठीक कह रहे थे, ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं। उसने तो अपने घर वालों को या अपनी फैमिली में किसी को या अपने दोस्तों को किसी को बताना गवारा नहीं समझा। इनफैक्ट जब वो यहाँ पे था तो बहुत प्राउड फील कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बताया। देखो अगर वो किसी से शेयर करे भी तो इससे हमें क्या फायदा है, हमारा कंसर्न तो वो लड़का है। तुम बोलो तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा। अरे चुप्पे, उसका शक्ल ही तो पसंद है हमको, तू उसका शक्ल पे तेजाब फेंकेगा? देख कोई कोई लोग ना अपना करीब में मिसाल ढूंढ रहा होता है, पर उनको कोई मिसाल ही नहीं मिलता। अगर तू कुछ बन जाएगा ना तो फिर तू कई लोगों के लिए मिसाल बनेगा। लेकिन मिसालें बहुत हैं। अरे हमने बोला ना लोग करीब का मिसाल ढूंढता है, अपने लियारी में कोई है ऐसा जो फुटबॉल से अपना नाम वाम बनाया हो? हमको घर तो छोड़ दो। घर छोड़े? कल तो तुम बोल रहे थे कि बोल लेगा कोई देख लेगा, फिर आज बोल रहे घर छोड़ो, क्या हो गया तुमको? अरे कल का बात और था आज का, और हमको ना हमको बहुत डर लग रहा है। अरे हमको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम शाहिद भाई को क्या बताएं, बताएं या ना बताएं, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि तुम हमको मशवरा दो कि हम नादिर को कैसे समझाएं। अगर शाहिद भाई को पता चल गया तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। अरे हमको उसको उसी दिन सबक सिखाने का था। लड़ना इस बात का हल नहीं है। अरे इस तरह बात और खराब होगा, वो तो फालतू लोग है, हर वो गली में बैठा रहता है, और हम शरीफ लोग है, हमारा रोज का आना जाना है वहां से। तो फिर हम एक काम करता है, हम उसकी अम्मा से बात करता है। उसका अम्मा? हाँ उसकी अम्मा। उसकी अम्मा एक बहुत अच्छा औरत है, और उसका बहन तो हमारे दादा के साथ स्कूल में पढ़ाता भी है। हम उसकी अम्मा को बोलेगा कि नादिर को समझाओ, और फिर भी अगर नादिर नहीं मानता ना तो मुक्काबाजी होगा, मुक्काबाजी। हमारा अम्मा कहता है मुक्काबाजी में बहुत अच्छा है। तो फिर हम कब चले? शायद भाई नाराज तो नहीं होएगा कि हम तुम्हारे साथ? अरे हम समझा लेंगे उसको, तुम चलो अभी हमारे साथ, चलो जल्दी करो। तो फिर चलो, हमको क्या करना, तुम्हें एक काम करो, तुम बाहर जाओ, जल्दी करो। आज का न्यूज़पेपर बाबा। ओहो लगता है कुछ खास छपा है इस अखबार में। आपको पहले ही अंदाजा हो गया? क्योंकि यूजुअली तुम अखबार पढ़ती नहीं हो ना। देखें क्या छपा है आज के न्यूज़पेपर में, कि आज तक हमारे क्लब से कोई अच्छा खिलाड़ी खेल ही नहीं सका, सिर्फ नाम बनाने के लिए, फेमस होने के लिए हमने ये क्लब बनाया। हम क्लब बना सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इस अखबार को कोई ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है भाई, अखबार वालों को खबर नाम ही मिले ना तो वो खबर बनाकर छाप देते हैं। पापा आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे कंपनी का इससे कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा? देखो हमें अच्छे इंप्रेशन के अखबार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाबा मैं सोच रही हूँ कि हम कोई ऑडिशन रख लेते हैं, और ऑडिशन करते हैं, यंग बॉयज़ रखेंगे, वो ट्रेनिंग देंगे, वो बेटर है। हाँ किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे खास फायदा होगा, सिवाय एक दो दिन मीडिया पे
खबर चलने से। हम खबरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। हाँ बेटा करके देख लो। वो क्या कहता है लियारी वाला लड़का? लेकिन वो मान नहीं रहा है। मान नहीं रहा? फिर ट्राई करती उसको मनाने की कोशिश करती। ओके ठीक। अच्छा तुम फिकर नहीं करो, वो घर आएगा तो हम उसको समझाएंगा। उसका तरफ से हम माफी मांगता है, हमको माफ कर दियो। हम तो समझा समझा कर थक गए। उसका बाप लियारी का काउंसलर था, सबका काम आता था। इसको पता नहीं क्या हो गया। अरे काला हम एक इलाके का लोग हैं, हमको अच्छा नहीं लगता आपस में हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो गए। हम तुम्हारे पास भी इसीलिए आए, अगर हमसे कुछ हो जावे तो तुम हमको ना बोले बाद में कि हमसे ज्यादती हो गया है। वो होवेगा बदमाश कहीं का, लेकिन हमको भी अपना हक का बात करना और अच्छीना अच्छे से आता है। अरे गुस्सा नहीं करो, हम समझाएंगा, हम माफी तो मांग रहे हैं। काला तुम हमारा माँ का जगह है, हमको अच्छा नहीं लग रहा तुम हमसे माफी मांग रहे। अभी ऐसे नहीं जाने का, चाय पानी करके जाने का। सुना तुम डॉक्टर बन रहे? जी काला, हमारा एग्जाम है, जैसे क्लियर हो जाएंगे ना तो हम इस इलाके के लिए कुछ करेंगे। अच्छा माशाल्लाह, कितना रहम दिल बच्ची है। हमारा बेटी है ना शकीला, उससे मिलने आओ ना कभी। इसका दादा है ना जब्बार भाई, उसका साथ स्कूल में पढ़ाता है। हाँ सुनकर अच्छा लगा हमको, हम कभी फुर्सत में आएगा। अच्छा अभी तुम दिल पे नहीं ले हो, फिकर नहीं करो, उसको आने दो, हम सब बताता है उसको। कलम चलता हूँ, कुछ काम है। अच्छा ठीक है, चाय पी लेता तो अच्छा हो जाता। आएंगा ना फिर आएंगा। जीता रहो सलामत रहो। अल्लाह हाफिज़। हम समझाएगा, फिकर नहीं करो। अगर हम कुछ नहीं है तो सीधा सीधा हमको बोलना। हम तुमको सीधा बोलेगा भी और तुमको सीधा कर भी देंगे। हाँ ये हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गया था, तुम्हारी अम्मा को बताने के लिए। समझा रहा हूँ तुमको, ये जो तुम्हारा मोहल्ले का दादागिरी है ना, एक दिन में खत्म कर दूंगा हम। हाँ तुम इतना खूबसूरत है, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होता है, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं सोचा नादिर का पारा दिल खुद पे कंट्रोल कैसे करेंगे। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सारा कसूर हमारा है, उस नादिर के बच्चे का कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं हम ये थोड़ी कह रहे हैं, अभी अगर तुम नहीं होता ना तो नादिर का तो मैं जान ले लेगा। ऐसा कौन सा काम पड़ गया था तुमको हमारा घर पे? जो बात करना था हमने काला से कर लिया है, तुमसे नहीं करूंगा। तुम हमारा बारे में हमारी अम्मा को बोलने गया था? अरे मर्द का बच्चा है तो हमको बोलना। नादिर हम लड़ना नहीं चाहता हूँ। अरे तू लड़ाई कर सकता भी नहीं है। नादिर तुम जानते है कि हम बॉक्सर है हाँ, और ये हमारा शौक है तो संभाल के। जब ही आ गया था तू, जिससे आ रहा था हम वो बॉक्सर था, और तू कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर हमारी अम्मा के पास करने क्या गया था तू? अगर हम कुछ नहीं है तो सीधा सीधा हमको बोलना। हम तुमको सीधा बोलेंगे भी और तुमको सीधा कर भी देंगे। हाँ ये हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए गया था, तुम्हारी अम्मा को बताने के लिए। समझा रहा हूँ तुमको, ये जो तुम्हारा मोहल्ले का दादागिरी है ना, एक दिन में खत्म कर दूंगा हम। हाँ अगर तुम आइंदा नौशीन का रास्ता से गुजरा भी ना, तुम इस दुनिया से गुजर जाएगा। क्या अरे हमको धमकी दे रहे तू? मैं दे रहा धमकी तुमको हम? फैसल क्या बोला था तुमने? अम्मा जाके बात करेगा, लड़ेगा नहीं। हम ये लड़ने आए? चलो तुम घर चलो।
देखती हूँ मैं तुम्हें, चलो। और हम सब जो उन्हें रोक रहे हैं ना, वो समझते हैं कि हम उनकी खुशियों के दुश्मन हैं। अरे शाहिद, इतने सालों के बाद शुक्र है तुम्हें भी अपने चाचा चाची का ख्याल आया। चाची, हमको ख्याल नहीं आ रहा था तो तुमने भी कोई पलट के कबर तोड़ लिया हमारा। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारे चाचा को फुर्सत ही नहीं मिलती, बल्कि यूं कहो इनके पास तो हमारे लिए भी वक्त नहीं है। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि इनके जाने से पहले ही तुम्हारी मुलाकात हो गई। अरे इसे तो मैं ही घर लाया हूँ, ये तो जल्दी का बहाना बना के निकल रहा था। अरे चाचा क्या बात कर रहे हैं, हमने खुद तुमको आवाज दिया था, तुम जा रहा था जब। बेटा शाहिद, ये जो हंसी मजा है ना, असल में जिंदगी की यही रौनक है, वरना तो बेटा हर इंसान परेशान है। परेशानी की नौयत तो अलग हो सकती है, लेकिन है हर कोई परेशान। हाँ हम समझते हैं तुम्हारी बात को। चाय का बोला था, अभी तक नहीं आई। लीजिए आगे चाय। अरे वाह, आप नौशीन को कब लाएंगे? नौशीन जल्दी यहाँ ले आएगा, नौशीन को भी मैं। जाते हुए नौशीन का नंबर जरूर दे के जाइएगा। ठीक है, दे दूंगा। अरे बेटा अब तो शाहिद ने घर देख लिया है, अब तो आना जाना लगा रहेगा इसका। हाँ चाचा तुम भी चक्कर लगाओ ना कभी लियारी, इतना बदल गया है, अस्पताल खुल गया है, फुटबॉल ग्राउंड बन गया है। शाहिद बेटा चाय लो ना। शाम को आएगा, शाहिद से बात करेगा, देखेंगे इस मसले का क्या करना है। अरे चाय मैं पीकर जाता, तुम्हारा अब तक गुस्सा किया है, और आम को तुमसे डर लग रहा था। तुम डर गया हमसे? हाँ तो और, तुम्हें से गुस्सा किया वहाँ पर, पर से तुम बॉक्सर भी है। वैसे आम को तुमसे एक जरूरी बात भी करना। ये सारी बातें यही करेगा, चलो अंदर, अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम शाहिद को क्या पता है। तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। अरे नौशीन, तुम इतना खूबसूरत है, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होता है, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं सोचा नादिर का अपारा दिल खुद पे कंट्रोल कैसे करेगा। हाँ तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, सारा कसूर हमारा है, उस नादिर के बच्चे का कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, भी अगर तुम नहीं होता ना तो नादिर का तो मैं जान ले लेता। अच्छा तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ हम तुमको चाय बना के दे रहे। वाह, आज तो डॉक्टर साहिबा खुद चाय के लिए पूछ रहा है, पीऊंगा। अच्छा बैठो, चाय बना के देती हूँ। बैठने में क्या रखा है, बैठ के सिर्फ इंतजार करूंगा, वहां आके तुम्हारे साथ चाय बना नहीं लूं। हां शाहिद भाई के आने का टाइम हो रहा है। तो क्या हुआ, तो उनको बुरा लगेगा। तुम अपना बताओ, तुमको तो बुरा नहीं लगेगा ना, बाकी शाहिद का हम देख लेंगा, उसको हम मना लेंगा। हमको बुरा लगता ना तो हम तुमको दरवाजे से ही टरका देता। अब बैठो, हम तुमको चाय बना के देते हैं। थोड़ा ज्यादा रखना। क्या हो गया तुमको, चरमा क्यों रहे? अरे आम से तुम्हारी आंखों में नहीं देखा जाता। पता है हमको क्या लगता है, हमको लगता है अगर कोई लड़की किसी लड़का से नजर ना मिला सके या उसको देख के शर्माए
तो इसका मतलब होता है कि वो उससे प्यार करती है, ऐसा है क्या? तो उसी से पूछो ना। उसी से तो पूछ रहा है। आपने बारे में क्या ख्याल है? हमको लगता है कि ये हमको सूट नहीं करता, हम एक बॉक्सर है और तुम एक डॉक्टर है, और तुम्हारे उस मेडिकल कॉलेज में तो एक से एक अमीर लड़का तुम्हारे साथ डॉक्टर बन रहा होगा। तुमको क्या लगता है डॉक्टर होना अमीर होना सब कुछ होते है? डॉक्टर होने से तो ज्यादा ही होता है। तुमको क्या लगता है जब तुम बॉक्सर नहीं था ना, शाहिद भाई के साथ साइकिल पर जाता था, आपसे हमको बहुत पसंद है। सच? हाँ, तो अभी भी क्या कोई शक है? दिल को तो यकीन आना चाहिए ना। आ जाएगा, उसको भी यकीन आ जाएगा। अब आ जाएगा। अच्छा तुम ये छोड़ो, हमको बताओ हम शाहिद भाई को क्या बोले। तुम हमारा बात गौर से सुनो। तुमने शाहिद को बोला जज्बाती नहीं होना, हम सब मिलके इस मसले का निकाल लूंगा, देख लूंगा उसको। और हाँ, दिन में हम घर पे ही होता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तुम हमको एक कॉल करेंगे, हम आ जाऊंगा पटाक से। नंबर है ना हमारा? हाँ नंबर तो है। फिर भी आज तक कॉल नहीं किए। अरे हमको हिम्मत ही नहीं होता तुमको कॉल करने का। अच्छा हमारा तरफ देखो तो सही, शर्मा क्यों रहा है? अरे हमसे तुम्हारी आंखों में नहीं देखा जाता। अब तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय लेके आते। मीठा ज्यादा? आप बोल रहे हैं कैसा बात करते हैं, हम तेरे से बड़ा हूं। अरे चाचा तू बड़ा है तो किसी छोटा को देख ना, तू इस उम्र में क्यों तकलीफ करता है? दादा तब ठीक है। हमने इसी इलाके की तरक्की के लिए काम करना है ना, और उनमें ये लोग भी शामिल है। और उससे पहले उसने कोई गलत हरकत कर दिया तो? अरे नहीं करेगा, वो बहुत खराब आदमी है, हम उसको उसके हिस्से का सजा दे चुका है। उससे बात क्या करती? लो, ये भी कोई सोचने की बात है, जो दिल में है सब कह देती, ऐसे मुंह उठाकर कह देती। क्या बात है, आजकल कुछ काम वाम ठंडा पड़ा हुआ है? आएंगा, जरूर आएंगा काम। शाबू को भेजा है हम, थोड़ा इंतजार करो, आएंगा। कर लेगा वो? हाँ कर लेगा। नादिर बेटा। अरे हाँ चाचा, तेरे से एक बात करना है मेरे को। हाँ चाचा बोल। इधर आएंगा बात? अरे चाचा इधर ही बोलना। अरे तुमने कौन सा हमसे कोई राज का बात करना? तुम वही भोंके क्या जो तुम्हारा बोता भोंकता फिर रहा है हमारा खिलाफ? क्या बोल रहे है, कैसा बात करते हैं, हम तेरे से बड़ा हूँ। अरे चाचा तू बड़ा है तो किसी छोटा को देख ना, तू इस उम्र में क्यों तकलीफ करता है? दादा तब ठीक है? हम ऐसे ही मजाक करते हैं बच्चों से। तुम बोलो सब ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक है दादा। हाँ वो सुना है तुम मैच बहुत अच्छा खेला है। दादा मैच का कहानी हम तुम्हें सुनाता हूँ, आओ
शुरू में ऐसा हुआ कि उनका हमारे पास बॉल ही नहीं आ रहा था। पहला हाफ में तो जो है वो दूसरी टीम ने हमको बॉल ही नहीं दिया। फिर हमने क्या किया कि साला उसको ऐसा ऐसा किके मारा। तो उसको बॉल था हमारा पीछे दादा खड़ा है। हां दादा, अरे शाबू को फोन लगाता हूं। अरे शाबू तू किधर है? अरे हम तुमको फोन लगा रहे, तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा चल होटल पे आता है हम लोग, ठीक है? कौन है? आराम से बच जाओ, दरवाजा तोड़ेगा क्या हमारा? कौन है यहाँ? अरे क्या किया उस नादिर के बच्चे ने? हम छोड़ेगा नहीं उसको, हम छोड़ेगा नहीं उसको, अंदर नहीं चलेगा। तुम बताओ हमको, अरे उसको हम बताते हैं अभी, जाता है उसके घर पे, हम उसको बताएगा। अरे भाई तुम गुस्सा नहीं करो, तुम यहाँ बैठो आराम से, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते। अरे तुमने उस वक्त हमको फोन क्यों नहीं किया? अरे तुम गुस्सा नहीं करो, बैठो हम पानी लाते तुम्हारे वास्ते। भाई हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम इतनी देर से आप यही तो समझा रहे। अरे वो खुद भी करता रहे, हमें सोचकर चुप रहे कि हमको लड़ना मरना नहीं है। भाई हर मसले का लड़ाई नहीं होता है। फैसल के साथ हम गया था ना उसकी माँ के पास, इतना अच्छा बंदा है, बार बार हमसे माफी मांग रहा था और कह रहा था उसको आने दो, हम उसको खुद समझाएगा। वो हमारा मसला उसकी अम्मा से थोड़ी है, वो तो नादिर का बच्चा। फैसल फैसल गया है ना दादा से मशवरा लेने के लिए, वहां से आएगा तुमसे मिलेगा और फिर पता चलेगा इसका क्या करना है। अरे अभी तो दिलावर को नहीं पता। देखो देखो शायद हम दोनों ने इसी इलाके में, वो लोग भी इसी इलाके में, हमने इसी इलाके की तरक्की के लिए काम करना है ना, और उनमें ये लोग भी शामिल है, हमने ऐसे लोगों को भी ठीक करना। और उससे पहले उसने कोई गलत हरकत कर दिया तो? अरे नहीं करेगा, वो बहुत खराब आदमी है, हम उसको उसके हिस्से का सजा दे चुका है। और फैसल भी तो दादा से मशवरा करके बताएगा, फिर उसकी माँ, हम उसको भी तो बताया ना, वो भी कुछ ना कुछ उसको समझाएगी, जरूर समझाएगी। अरे उनका आपस का दोस्ती बहुत अच्छा है, पहले उसका कुछ करना पड़ेगा। हमको भी यही लगता है। साला एक का बात करो, दूसरा पहले ही आ जाता है। अरे नादिर भाई, तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोले तुमको। हाँ बोलो। हमको लगता है कि उस डॉक्टरनी का उस बॉक्सर के साथ कोई चक्कर मकर चल रहा है। तो हमको भी लग रहा है, इसलिए तो उसने हमारा सामने उसका हाथ पकड़ा था। भाई सबसे पहले उसका नंबर लगना चाहिए। हमने भी सोच लिया, तुम देखना हम उसको कैसा फंसाएंगे। अरे ये शाबू किधर रह गया? हेलो हाँ, अरे शाबू किधर है तू? अरे हम लोग इधर सुबह से बैठे तेरा होटल पे इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाना। लगता है तुम लियारी निकल गई। सोच रही हूँ कि निकल ही जाऊँ। अब्बा को बताती जाना, पहले ही वो भाई की वजह से परेशान है, ऐसा ना हो फिर तुम्हें ढूंढते रहे। ऐसे एक बात बोलूँ, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता हो और वही मोहब्बत सालों बाद उसके सामने आ जाए तो सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग जाती है। वैसे हाँ कहते तो यही है, मोहब्बत नहीं कर सकते। वैसे मैंने मशीन का नंबर ले लिया है। वाह तुम तो बड़ी तेज निकली। इसका थोड़ी लिया है,
और अगर ले भी लेती तो उससे बात क्या करती? नो, ये भी कोई सोचने की बात है, जो दिल में है सब कह देती। ऐसे मुंह उठाकर कह देती? मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे लिए कोई फीलिंग्स रखता भी है या नहीं। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है कि उसने लियारी में कोई सेट की हो। अब जाहिर है तुम्हारे इंतजार में तो नहीं घूम रहा होगा ना। देखो, बात इंतजार की नहीं है, मुझे ना मुझे ऐसा लगा है कि जैसे उसकी आंखों में और उसके दिल में वही है जो मेरे दिल में और मेरी आंखों में। क्या चोर? हद है यार, तुमसे तो कोई सीरियस बात करना भी ना फजूल है। हमेशा हर बात को ना मजाक में डाल देती हो। अच्छा बाबा, नहीं करती मजाक, तुम तो नाराज ही हो जाती हो। अब तुमसे मजाक नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? उर्वशी मैडम की नाक पे तो हर वक्त गुस्सा रहता है। ऐसा लगता है उनके बाप को हमने वरगुलाया शादी के लिए। ऐसे ना अंकल की भी हद ही है, शादी की रट लगा के रखे मैं। वो तो कुछ दिन में तुम भी शुरू हो जाओगी। लिसन, मुझ में और उनमें बहुत फर्क है, और स्पेशली तुम उम्र देख लो। अरे तुमने सुना नहीं, इंसान का दिल कभी बुरा नहीं होता। दिल बुरा नहीं होता, लेकिन कम अज कम अपने जवान बच्चों का तो ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। ख्याल ही तो रखते हैं, इतनी आज़ादी दी हुई है, पैसों की कोई कमी नहीं है, जब चाहे जितने चाहे मिल जाते हैं। ये आज़ादी ना सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है, देख लेना तुम। वक्त आ जाएगा जब उरूज भी ना पूछ के खाना खाएगी। अच्छा, इतने बदल जाएंगे आज़म पर? तुम देख लेना, खुद ही हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे। अच्छा भाई, हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी लाइफ है। जब वो अपनी बेटी का नहीं सोच रहे तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी किसी ने हमारे कहने पे तो कोई अमल नहीं करना। सही बोल रही हूँ, चलो सो जाओ। तुम सो जाओ मतलब तुम पूरी रात शाहिद के बारे में सोचती रहोगी? कितनी भी कोई मैं उसके पीछे नहीं मर जाती। सो जाओ। चलो। इसका मतलब दादा नादिर से वही बात कर रहा था और नादिर हंस रहा था। हंस रहा था? हाँ, हमने दादा से पूछा भी क्या बात है, पर दादा ने हमको नहीं बताया। दादा ने जो कहना होगा वो कह दिया होगा, तुम लोग फिक्र नहीं करो। डरता मरता नहीं है, पर अब तेरे को डरना चाहिए। क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आगे, अब कलमा पढ़ ले। अरे मेरा ख्याल है कि हमको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। हमने दादा से बात किया है और उसकी माँ से भी बात किया है, तुम क्यों परेशान हो रहा है? नौशीन ने उसको सबक सिखा दिया है, अगली बार वो हिम्मत भी नहीं करेगा ये सब करने का, क्या है? अरे ऐसे लोगों का कोई भरोसा थोड़ी होता है, कभी भी कुछ भी कर दे। अरे तुम फिक्र क्यों करता है? हम है ना, हम देख लूंगा उसको, तुम फिक्र क्यों करता है? हाँ, अरे तू क्या सोच रहा है? इसका मतलब दादा नादिर से वही बात कर रहा था और नादिर हंस रहा था। हंस रहा था? हाँ, हमने दादा से पूछा भी क्या बात है, पर दादा ने हमको नहीं बताया। दादा ने जो कहना होगा वो कह दिया होगा, तुम लोग फिक्र नहीं करो। और तुम्हारा तो एग्जाम होने वाला था ना, हाँ कैसा जा रहा है उसकी तैयारी? हाँ वो कर लेता हूँ कभी। तू बता, तेरा दूसरा मैच कब है? कल। चलो अब तो हार जीत दोनों के लिए तैयार होएगा ना। हाँ और क्या। अच्छा, वाह भाई, चलो फिर चलते हैं। हाँ यार, थक गए। चलो चलो।
पहले जाके वो नीचे गिरा है, अब एक बार जब गिरा है उठ नहीं पाया, समझ रहे ना तुम? अगली दफा से हमको बोलेगा नहीं वो मैच वैच का किसी भी चीज का, उसको पता है बात। अरे ओ बॉक्सर, अब तुझे डर लग रहा होगा। पीछे हट रहे, डरता मरता नहीं है पर अब तेरे को डरना चाहिए। क्योंकि तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब कलमा पढ़ ले। नादिर भाई इसको रहने दो, इस बॉक्सर को हम देखता हूं। बीच में नहीं आने दे। रोड़े उंगली तो क्या, हम तो तेरे लिए जान दे सकते हैं। अरे जान मांगो हमसे। अरे देख शाबू, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, अरे ऐसा लोगों को सबक सिखाने के लिए। देखो बेटा, शादी के बाद तुम तो अपने घर चले जाओगी, मुझे तो किसी की जरूरत है ना जो मेरा ख्याल रखे। ये कहां मेरा ख्याल रखेंगे? आपकी बातें शायद अपनी जगह ठीक हो डैडी, पर मैं मामा की जगह किसी को नहीं दे सकती। देखो बेटा, हर शौक रखने वाला दुनिया में मशहूर नहीं हो जाता। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी होती है, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते।
तो बाबा इन्हीं थोड़े से लोगों को ढूंढने के लिए तो हम ऑडिशंस कर रहे हैं। हमको इस तरह का धमकियां ना दिया कर, तुमको क्या लगता है हम डर जाएंगे उनसे? नहीं डरा, तुम नहीं डरो, लेकिन एक बात याद रखो, हमसे कोई उम्मीद नहीं रखना। तुम अपना फैसला बदल दो। ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? तुम्हारे लिए सब कुछ मुमकिन है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार यही तो समझा रहा हूँ कि तुम दूसरी शादी की पोजीशन में नहीं हो। हो सकता है पुलिस लोग तुमसे कुछ पूछे, उन्हें देखा था ना उस रात? हाँ, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। इधर फैसल कौन है? हमें फैसल, बैठा इसको गाड़ी में। एक बार हुआ क्या है? इसने शाबू पर चाकू से हमला किया है। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी। Record.